सतगुरु जी साहब जी नवाज जी साहब सिंह आप सारे रसना पवित्र करिए गज के आखो धन सतगुरु जी जीत सिंह जी थां ते आपां कठे हुए ना ये थां बड़ा भागा वाला है इथे दुख दर पाप अपराध सब बंदियां दे दूर होंदे ए वो दरबार है जिथे मुर्दियां नूं जान पै गई है पैनी साहब दो चार साल हो गया होला होया ये कई आनंदपुर का होला वेख के इत्थे खुले भी आए सी पांच चार ट्रक दाड़ी मुन्ने मासी शराबी विच मजबी सिंह कशहरे दा नाम ही के लैना सतगुरु जी जगत सिंह सच्चे पातशाह कहिंदे आ साध संगत जी मैनू दो दिन होया दरगाह विचों आवाज आउंदी आ अज मेथों डकी नहीं जाती जड़े होले विच आए आना वो आवाज आती आ आखते सारे ही बख्शे ओड़े आनंदपुर का होला वेख के आए सन वो कहते आवाज उस होले च नहीं आई वो बड़े खुशी हो ओए तन सतगुरु आ जदों बख्शबंदी विच आउंदा ना फिर वो हिसाब किताब नहीं हुंदा मासी शाबी विच ही आखना ओए अज असीं सारे बख्शे गए उत्थे ये नहीं आख्या वी नाम धारी बख्शे गए जिहड़े होर खुले भी आए सी सिर मुन्ने वह भी सारे बख्शे गए सो सज्जनो तुसीं बड़े भागां वाले जी भाई गुरदास जी बाणी में तुहाडी सिफत करदा है तन तन सतगुर पुरख निरंकार आकार बनाया तन तन सतगुर सिख सुन चरण सरण गुर सिख जो आया जितना तुसी आयो मेला वेखण ते चलो सतगुरां दा दर्शन करिए भाई गुरदास जी कहिंदा ओ सिख भी धन्या तनता दे जोग आ गुरु निरा धन नहीं वह सिख भी धन आ जिहड़ा आपदा आस करके दर्शन करता है गुरु मार्ग तन है साध संगत मिल संग चलाया तन तन सतगुर चरण तन मस्त गुर चरण ही लाया भाई गुरदास जी कहिंदे ने गुरु दे धन्या उहदे चरण भी धन्या वह भी धन्या जिहड़ा चरणा उत्ते आके मत्था टेकदा है सतगुर तन तो टिब्बी रहिंदा मलवई सिंह जी हुण उह गुजर गया सौ साल का हो के चढ़ाई की आने आख्या मैं गुरु हरि सिंह दे वेले हो गई सोलह साल बीमार रही बड़े बड़े सन्यासियों तो हर द्वार सिरा जाके दवाइया आदिया नहीं आराम होया मुक्तसर का होला सतगुरु प्रताप सिंह ने आख्या जिन्होंने चिट्ठियां चिट्ठियां देतियां भी ठीक आ जिन्ना नहीं दितियां भी ठीक आ कोई भी जड़ी किसे दी मांग आ जड़ा अरदासे विच हाथ जोड़ के खलो जो उहदी मांग पूरी हो जू दुखां दुख दूर हो जाणगे मंगां वालियां दीआं मंगां पूरियां होणगीआं दुद्धां वाल दुद्ध मिल जू पुत्तां वाले नूं पुत्त मिल जू वाज आशा दी वार तों सिख नूं खिलार के वाज ते अरदास होण दे पई उह तारा सिंह कहिण लगा मैं अपने भरा नूं आख्या अरदासा होण लग पिआ वा साडी मां सी बड़ी दुखी सी उह होलियां मेलियां च वारा पछड़ जांदा है उह प्रसादा छकण गई ते फिर ते मैनू तकलीफ होनी आ दस तो दो बड़ी तकलीफ ही बोझ रही सी तो दुखी हमेशा वास्ते रही तू हाथ जोड़ के खलो जा आख मैनू तो दुख कोई नहीं गा मैं मां दे थां खलोता वा वह आंदा दुख मां तो खलोवा मैं अरदासा हो दिया सी मैं हाथ जोड़ के खलो गया सच्चे पातशाह मैनू दुख कोई नहीं गा मेरी मां नूं दुख आ अरदास हो गई ओ दस बजे जड़ी रोटी खान गई ना प्रसादा छकन गई मां साडी बीमारी फुरके नेड़े नहीं आई वह कहन लगी अज मैं चंगी पली हाँ ओ मां तू आ गई से मगर उदास हुई मैं हाथ जोड़ के तेरे थां खलोता सा
वह कह लगे कि उस दिन तो कोई दवाई नहीं थी थी, कोई बीमारी नेड़े नहीं उस दिन तो आई, पता नहीं वह बीमारी किधर चली गई आ। ऐं करके सच्चे पातशाह कहिंदे आ दुख दुनी दुख दुनिया दे होण दुआरे जड़े तेरे दरिया आए, जन्म दे होण दुआरे जड़े तेरे दरिया आए। करके सात संगियो जड़ा भी दरबार में आ गया दुख दर पाप राज मुक गए। टाइम उन्हें कहा कटाणिया पिंड पैनी साहब के लागे एक संगी परिवार जड़ा गुरु पाल नहीं सी मानता निंदा करता सी। एक कोई बच्चा बीमार हो गया पांच सात साल का बच्चा हस्पताल में गए बड़े रुले हजारा रुपये खर्च किए डाक्टर जवाब देता ये बच्चा लाल दुआ हो चुका है ये अजकल का परवाना ले लो ये नहीं बचना घर ही लै आए रात कर रहे बच्चा सहकदा सी वो बीबी परिवार नूं आंदी आ ओ मैं इस बच्चे नूं मत्था टका लिया भैणी साहब वो कहिंदे आ मत्था टका के की करना ई इहदे प्रौणा है पता नहीं किहड़े वे तुर जाए वो आंदी आ मैनूं भी पता है पे प्रौणा अज दा सवेरे मुक जू वो मेरा पुत मरदा मरदा मत्था ते टेक लै की करनगे वो कड़ा खाण वाले कच्छे होए आ वो कड़ी दवाई कर सकते जिन्हां एडिया एडिया डाकदारा ने जिन्हां डिग्रियां हासिल कीतियां उन्हें जवाब देता इत्थे दिता पिंड एक वो सरगुण सूबा भी बनाया उन्होंने भी चंडीगढ़ों जवाब देता डाकदारा ए नहीं बचना ए भैणी साहब लाए आए सतगुरु आके आख्या सच्चे पातशाह डाकदर जवाब दिता है ए बच्चा नहीं बचना सतगुरु कहिंदे आ डाकदर ने जवाब देता तो मैं तो नहीं दिता वो नौजवान जाके वेखो उन सतगुरु सूबा बनाया जिसन साजन राशि दुश्मन कौन विचार सो ना सके शाह को ने फल जात हुआ। इस करके ए बीबी कहते मेनू गुस्से ना हो मेनू लै जाओ मेरे नाल भी ना जायो कहते राज मर गया क्या नहीं फिर मैं चुक लिया हूं बच्चा तीले वर्गा सुका मेनू जानते दो आ लै जा ते राह कदी कदी वेंदी आ बच्चा सह लैंदा अजे अजे सह लैंदा दवा दवा आ गई सतगुरु राम सिंह जी भैन साहब दुआन में बैठे आ सतगुरु ने आसन अगे जिथे मत्था टेकी दा ना उथे आके बच्चों लम्हियां पा दिता एवं कहिंदी आ
ਗੱਲ ਪੱਲੜਾ ਦੁਆਰੇ ਆ ਗਈ ਊ ਰੱਖ ਲੈ ਲਮਾਣੀ ਨੂੰ ਪੱਲੜਾ ਦੁਆਰੇ ਆਈ ਰੱਖ ਲੈ ਲਮਾਣੀ डाकदर जवाब दिता एवं कहती आ एक ने घर सत सत पुत खेल दे सत पुत खेल दे एक नो बिना तुना संसार सतगुर कहते हैं जो बिपता बनी हो फिर जाच अर्ज करने की बड़ी जाच आती है जो सुख बनिया हो फिर अर्ज हो जाती एम कहती है सचे पातशाह तू सारी सृष्टि का मालिक तेरे घर कोई घाटा नहीं तोसो नहीं दाता कोई मोसो ना भुखारी दीन मेरे वर्गी मंगती कोई नहीं मैं तेरे दरबार में पुत्र की जिंदगी का ख्याल लेने वास्ते आई हाँ।